चलिए आज बनाते हैं काजू की मिठाई। चलिए दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ। आइए, कटोरी काजू लिया है, इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसी ले लिया है, इसी में पीसेंगे। चलिए इसे पीस लेते हैं। गाइस, हमने पीस लिया है काजू को। आधा कटोरी पानी, उतना ही चीनी लेंगे। अब इसे चाशनी बनाते हैं। बराबर मात्रा में पानी लेना है, चीनी की चाशनी बनाना है। चाशनी रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे काजू। काजू को इसी में डाल के चलाते रहेंगे, इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी डाला है मैंने। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ठंडा होने पे, तब इसे कागज के ऊपर रखेंगे। ये लगभग हार्ड होने लगा है, मतलब पतला नहीं रहना चाहिए। चलिए इसे बुता देते हैं गैस को, इसे ठंडा होने देते हैं। एक प्लेट पे तेल लगा दिया है, अब इसे हम पसार देंगे हाथों से। थाली के ऊपर इसे पसार दिया है, अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब इसे हमने कट कर लिया है बर्फी के जैसे, ठंडा हो जाएगा तब इसे अच्छे से निकाल लेंगे। ये बर्फी वाला करेंगे या चौकोर भी कट कर सकते हैं। ये हमारा मिठाई रेडी है। चलिए ये ठंडा हो जाएगा तब दिखाएंगे आपको निकाल के पीस वाला। ये हमारा काजू कतली है, ये रेडी हो चुका है, इसे कट भी कर लिया है। देखिए मैंने इसे कट भी कर लिया है बर्फी के जैसा, कटिंग करना है। देखिए काजू कतली हमारे रेडी है। बहुत ही आसान है बनाना, आसान विधि बता रही हूँ मैं आपको, आप भी बना कर ट्राई करें। हमारा काजू कतली बहुत ही सहज तरीका बताया है मैंने। ये ठंडा होने पे अपने आप अच्छे से निकल जाएगा कटिंग करने पर। देखिए ऐसे ही बना के आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, बहुत ही आसानी से काजू कतली बनाना। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा रेसिपी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।